और फैमिली वेलफेयर सेंटर में ये जवानों को बुलाते हैं बाय ऑर्डर, जवानों की मेन साहबों को बुलाते हैं, जवानों की मैडम अगर नहीं आई तो उनको धमकी दे दी जाती है, आपके हस्बैंड को हम बोरी बिस्तरा गोल करवा देंगे। ये कौन सा लैंग्वेज, कौन सी भाषा है? आप जवानों की मैडम, जवान ने किसी कारणवश अपनी फैमिली रखी है, अपने बच्चे रखे हैं, किसी समस्या की वजह से घर में हालात ठीक नहीं है या कुछ दुख बीमार है, चलो मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा, जवान लाता है अपनी परेशानी से, लेकिन उसको फैमिली वेलफेयर सेंटर में स्ट्रेच किया जाता है, क्योंकि इनकी मेन साहब लोगों को भी कमांड करनी है, इनकी मेन साहब लोगों को कमांड करने के लिए चाहिए, क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए जवान है, जूता पॉलिश करने के लिए जवान है, घर की सफाई करने के लिए जवान है, 20 से 25 से 30 जवान तक इनके घरों में लगे रहते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पर कोई नज़र नहीं रख रहे लोग, इस पर कोई बोलने को खुश नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इनकी मेन साहबों की जो दादागिरी सेना में चल रही है अफसरों की, इन अफसरों ने अपनी मेन साहब लोगों को आगे कर रखा है। कहीं भी अगर कोई VIP अफसर आता है तो जूनियर अफसर अपनी मेन साहब को लोगों को वहाँ रिसेप्शन में भेज देंगे। इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी एक यूनिटी बना रखी है, सीनियर अफसर से जूनियर अफसर तक सब एक हैं, ये मिले हुए हैं। इन्होंने सेना के अंदर फैमिलीवाद फैला रखा, परिवारवाद फैला रखा है। सेना में, सेना की कार्रवाई में इनके परिवार का कोई भागीदारी है होनी नहीं चाहिए। इनके परिवार का क्या मतलब है सेना में? इनके परिवार, इनके बच्चे, इनकी फैमिलियाँ, इनकी मेन साहब लोग यहाँ कमांड कर रही हैं, उनका चल रहा है यहाँ, यहाँ वो बोलेंगे वो होगा, वो किसी को जवान बोले, जवान को बोलेंगे इसको वहाँ भेजो तो साहब अफसर उसी को वहीं भेजता है। क्यों? इन मेन साहब लोगों का बोलबाला है सेना के अंदर, सेना तो इन मेन साहब लोगों के उससे चल रही है, कहाँ से सफल हो सकती है, कहाँ से सक्सेस होते हो सकते हैं हम लोग? इनकी फैमिलियाँ कमांड कर रही हैं, जिनको कि फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो जवानों को ब्लडी बोलती हैं, उनको सलामी मारनी पड़ती है, उनको सलूट मारना पड़ता है मेन साहब लोगों को। ऑफिसर को, ऑफिसर बोलता मुझे मारो मत मारो, मेरे मेन साहब को सलूट मारो, तो ये कौन सा काम करवा रहे हो आप हमसे? हम आपके मेन साहब को सलूट मारे तो आप भी मारो हमारी मैडम को सलूट, आप हमारी मैडमों को वहाँ फैमिली वेलफेयर सेंटर में डांस करने को बोलते हैं, आपके मेन साहब लोग हंसती हैं, आपके बड़े सीनियर अफसर आते हैं जूनियर जवानों की मेन साहब वहाँ डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, ये कौन सा तरीका है आप लोगों का? क्यों इतना परेशान कर रहे हो जवानों को? ये फैमिली वेलफेयर सेंटर क्यों चला रहे हो आप लोग? दादागिरी दिखाने के लिए, जवानों को चक्कर कटाने के लिए? उनकी मेन साहब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? वो कोई इलाज के लिए आए हैं, कोई प्रेग्नेंट है, किसी के घर में समस्या कुछ है, और यहाँ आप लोग बाय ऑर्डर उनको तंग कर रहे हो, ऑर्डरों में देते हैं अगर कल फलाने की मैडम वहाँ पे नहीं आई सिलाई मशीन चलाने के लिए तो वो बिस्तरा अपना गोल कर लेगा और यहाँ से चल देगा, यानी उसको तुरंत पोस्टिंग कर दी जाएगी। इनकी फैमिलियों की, इनकी मेन साहब लोगों की ऐसी पावर चल रही है यहाँ पे, जवान को तंग करने का इन लोगों ने, पूरे परिवार ने, अफसर के पूरे परिवारों ने ठेका ले रखा है। इन्होंने अपने घर की खेती समझ रखा है फौज को, इनके घर की खेती है फौज, इनका पूरा यूनिटी बनी हुई है, यहाँ से वहाँ फोन चला जाता है, वहाँ से यहाँ फोन चला जाता है। अगर किसी जवान को यहाँ से ये पोस्टिंग भेज भी देंगे तो वहाँ पहले इनका फ़ोन चला जाएगा, देख लेना भाई फलाना बंदा आ रहा है, उसको भेज रहा हूँ, उसको देख लेना। इसका क्या मतलब होता है? इसके मतलब जवानों को अफसरों से खतरा है, जवानों को अफसरों से खतरा है, इनकी यूनिटी बनी हुई है, जवान कुछ बोल नहीं सकता इनको, अपने हक की लड़ाई भी जवान नहीं लड़ सकता, इनकी मेन साहबों की चमचागिरी करो, इनके लिए गाड़ियां लागू हैं, एक फ़ोन करती हैं 2 सेकंड के अंदर इनके पास गाड़ी पहुंच जाती है, ऐसी हालत कर रखी है इन्होंने फौज की, यह हालत है आज सेना की। जवान गाड़ी मांगेगा नहीं मिलेगी, जवान को गोली भी लग जाएगी ना तब भी गाड़ी नहीं मिलती, मरने दो बोला शहीद, शहीद हो जाएगा, लेकिन मेन साहब बोले कि मेरे पेट में दर्द है तो 2 सेकंड में गाड़ी आ जाएगी, इनकी मेन साहब को प्रियोरिटी है, जवान को प्रियोरिटी नहीं है, जबकि हकीकत में भारत सरकार जवान को दे रही है, इनके मेन साहब लोगों को नहीं, लेकिन यहाँ चल रहा सारा उल्टा सिस्टम, पूरा उल्टा चल रहा। आप क्लोथिंग में देखो, क्लोथिंग में कितना घोटाला है, हम पूरी क्लोथिंग खरीद के पहन रहे हैं, एक भी कपड़ा हमारा स्टोर का नहीं है, सरकारी नहीं है, सारा खरीद के पहन रहे, तो फिर ये क्लोथिंग इशू हो क्यों रहा है? ये घोटाला नहीं है, इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए?
जब हमारे पहनने में वो सामान आ ही नहीं रहा है क्लोथिंग वाला, तो क्यों इशू कर रहे हो? बेफालतू का क्यों खर्च कर रहे हो? गवर्नमेंट को क्यों नुकसान में डाल रहे हो? गवर्नमेंट का क्यों खर्चा कर रहे थे जब हमने कोई पहना ही नहीं? हमने अगर कोई सरकारी पहन भी लिया तो अफसर उस पर उंगली उठा देता है, ये कौन सा कपड़ा है तेरा? तो क्यों हमें इशू कर रहे हो आप? जब हमने वो क्लोथिंग पहनना ही नहीं है तो इशू क्यों कर रहे हैं हमें? बेवकूफ़ बनाने के लिए, गवर्नमेंट पर चूना लगाने के लिए सारे मिले हैं, सब घोटाले हो रहे हैं। क्लोथिंग पे भी घोटाला हो रहा है। जवानों का ये जो क्लोथिंग मिलता है ये बंद होना चाहिए, उसके बदले जवानों को पैसा दे दिया जाना चाहिए। खाने पे घोटाला है, वहाँ से राशन आउट हो रहा है। जवानों को आप राशन का क्लोथिंग का पैसा दे दो, जवान अपना खा लेगा, सिविल बंदों को भी रोज़गार मिलेगा, कहीं कैंटीनें खुलेंगी, और हम अपना जहाँ हमें 200 रुपये मिलेंगे खाने का, हमारा खाना 100 रुपये में हो जाता है, बाकी का खाना ये आउट कर देते हैं, बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे खा जाते हैं, सारे घोटाले में लिप्त हैं। लोग बोलते हैं सेना में घोटाले नहीं होते, तो सबसे ज़्यादा घोटाले सेना के अंदर होते हैं, ये दावा कर सकता हूँ, क्योंकि इनको पता है यहाँ मीडिया आएगी नहीं, जवान मुँह खोलेगा नहीं, अनडिसिप्लिन में फंसा देंगे। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है, सबसे ज़्यादा घोटाले यहाँ हैं। तो इसके लिए हम काम करेंगे, निश्चित ही ये सब बंद करना होगा, जो अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा सेना के अंदर, जो मिलिट्री लॉ 1947 से पहले उस टाइम गुलामी का मिलिट्री लॉ चल रहा है, उसे ख़त्म किया जाएगा, और जवानों से जो गुलामी कराई जा रही है, जो अफसर कर रहे हैं, जवानों का अत्याचार कर रहे हैं, जवानों का शोषण कर रहे हैं, अपने सारे निजी काम जवानों से करवा रहे हैं, और जब पूरे जवानों को निजी काम में लगाओगे तो जो हमारा असली काम है उसे तो हम भूल ही जाएंगे ना। इसीलिए हम कहीं सक्सेस नहीं हो रहे, कहीं ऑपरेशन हमारे सक्सेस नहीं हो रहे, मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, जो एक हफ्ते हथियार चला के मिलिटेंट आता है वो हम पर हैवी हो जा रहा है, हमारा जन्मजात काम है हथियार चलाना, गोली चलाना, वो हम पर हैवी हो जा रहा है। क्यों? इसका कारण यही है, सेना में प्रोजेक्ट ज़्यादा हो गए, स्कूल ज़्यादा होगी, कैंटीनें ज़्यादा हो गई, बंगलों में सेना के जवान भरे हुए हैं, इनके रिश्तेदारों में सेना के जवान घूम रहे हैं, इस वजह से जवानों का जो हकीकत काम है वो उन्हें नहीं किया दिया जा रहा है, इस वजह से वो उस काम को भूल के और वहाँ जब जाते हैं तो धोखा खा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, सेना का निजीकरण बंद होना चाहिए, सेना का जो ये अपना फैमिलीकरण कर रखा है इन्होंने सेना का, ये बंद होना चाहिए, सेना के जवानों से सिर्फ सेना का काम कराया जाना चाहिए, ऐसा मिलिट्री लॉ बनना चाहिए, संशोधन होना चाहिए मिलिट्री लॉ में, और निश्चित ही भारतीय संस्कृति अपना स्थान लेगी और ये काम जल्दी से जल्दी होगा, हम सब लोग आप लोगों के सहयोग से। जय हिंद, जय भारत।